यो व्हाट इज गोइंग ऑन गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल टू अ ब्रांड वीडियो। एंड यार नया अपडेट आ चुका है, कैसा लग रहा है आपको? बिकॉज दिस अपडेट इज फुल ऑफ स्टफ टू डू, देर इज नो शॉर्टेज ऑफ कॉन्टेंट। तो चले चलते बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस अपडेट। तो वो होने वाली है ऑब्वियसली एमा मिया मिरे, द रेट अप बैनर, शुड यू गो फॉर हर, और अगर आप जाते हो तो आपको कितने समन्स करने चाहिए उसके लिए, एंड कौन से एडवांसमेंट में वो अच्छी है फॉर F2P एंड पे टू विन। तो इन सभी टॉपिक के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इट इज गोइंग टू बी अ फुल फ्लेज्ड गाइड ऑन एमा मिया मिरे, और मैं एक ब्रीफ बिल्ड बताऊंगा जो मैंने बहुत ही मेक शिफ्ट और बहुत ही जल्दी में वो बिल्ड बनाया है। एंड विल बी टेस्टिंग एमा मिया मिरे एट A0, A1 एंड A2, ताकि आपको पता रहे कि कौन से एडवांसमेंट वो सबसे अच्छी है एंड कौन से एडवांसमेंट में आपको सबसे ज़्यादा वैल्यू आपके पैसे का मिलेगा, और हम एक्सप्लेन भी करेंगे कि उसके एडवांसमेंट से क्या क्या होता है। चलिए चलते शुरू करते हैं, बट बिफोर दैट दिस इज द शाउट आउट ऑफ आर डे। थैंक यू सो मच ब्रो फॉर कमेंटिंग ऑन आर वीडियो, रियली अप्रिशिएट इट। चलिए चलते हैं शुरू करते हैं। तो अगर हम जाएंगे एमा मिया मिरे पे, वी ऑलरेडी डिड अ समन सेशन ऑन आर लाइव स्ट्रीम, तो डू नॉट मिस आउट ऑन आर लाइव स्ट्रीम्स, बिकॉज लाइव स्ट्रीम में बहुत ही थ्रिल और मजे से भरा हुआ लाइव स्ट्रीम हमारा होता है यूजुअली। तो यहाँ पे आप देखोगे हमारे एडवांसमेंट 0 है और हमें एडवांसमेंट करने को बोला जा रहा है। हमारे पास 2 एडवांसमेंट पड़े हैं एमा मिया के, तो विल डू दैट। A3 सब चेक करेंगे। तो चलिए चलते शुरू करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट हर किट, कैसे वो काम करती है, क्या है उसके स्किल्स, एंड वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर यू स्टार्ट प्लेइंग एंड यूजिंग एमा मिया मिरे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, तो विल गो ओवर टू स्किल्स। स्किल्स की बात करें तो सबसे पहले इसका फर्स्ट स्किल है वन विंड, ठीक है। तो ये क्या करता है, बेसिकली एनिमी को बेसिक अटैक है इसका, ठीक है, बेसिक अटैक, नथिंग स्पेशल, जस्ट स्लैशेस है। फिर ये है इसका कोर अटैक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेडली स्वॉर्ड टेक्निक यूज करके और क्विक एंड एलिगेंट मूव से एनिमीज को मारती है। फिर आते हैं तो बेसिक स्किल, यहाँ पर इसका असली डैमेज आता है, इसके बेसिक स्किल्स पर इसका असली डैमेज आप देख सकते हो, परसेंटेज 1980%, विच इज ह्यूज, ठीक है। विंड डैमेज करेगी, एयरबॉर्न करेगी, और जब ये स्किल आप यूज करेंगे तो पावर गॉज को 15% तक चार्ज कर देगी, विच इज इनक्रेडिबल, ठीक है। उसके बाद दूसरा बेसिक अटैक देखेंगे तो ये विंड डैमेज डील करेगा और एनिमी को नॉक करेगा, और आप परसेंटेजेस देख सकते हो भाई सिर्फ लेवल 5 पर, ठीक है। बेसिकली लेवल 7 तक तो आपको लेके जाना ही है, तो आप देख सकते हो 2066, एंड यहाँ पर इसका अगर मैं लेवल 7 इसको करूँ यहाँ पर, तो ये हो जाता है 2066, सेम परसेंटेजेस ऑन बोथ द स्किल्स। तो लेट्स अपग्रेड देम, यू नो व्हाट, लेट्स अपग्रेड देम, ठीक है। तो भाई जितना हो सके इन दोनों स्किल को ही आपको अपग्रेड करना है, आपको इसका अल्ट नहीं अपग्रेड करना है, बिकॉज आई विल एक्सप्लेन यू द किट एंड यू विल अंडरस्टैंड वाई इसका अल्ट आपको अपग्रेड नहीं करना है, रादर देन दैट आपको ये स्किल्स अपग्रेड करने हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं तो सपोर्ट स्किल कुछ खास नहीं है, एक अच्छा खासा डैमेज परसेंट है, बट विंड डैमेज है, दैट्स ऑल, ठीक है। फिर वही हम आते हैं इसके दूसरे क्यूटी स्किल पे, तो यहाँ पे भी सिर्फ विंड डैमेज है और ये MP रिकवर करेगी अपना, ठीक है, द यूजर रिकवर्स 10% ऑफ देयर MP। तो ये अच्छा है, QT करना इसके लिए अच्छा है, ठीक है, बिकॉज ये MP पर स्केल करती है। अब ये MP पर कैसे स्केल करती है उस पर बात करेंगे। अल्टीमेट स्किल की बात करें तो अच्छा खासा डैमेज है, और जब आप यूज़ करोगे स्किल को तो ये पोजेस हो जाएगी और अपने टीम को सारे डीबफ हटा देगी, और जब आप टैग आउट करोगे तो 10% और लेस MP अगर होगा तो पोजेस्ड ये हटा देगी, ठीक है, अगर 10% से कम MP है, और अगर नहीं है तो पोजेस्ड रहेगा। पोजेस्ड क्या होता है, इसके बेसिक स्किल्स यानी कि टाइप 3 और टाइप 4, ये टाइप 3 टाइप 4 है कुरुहा स्वॉर्ड टेक्निक, उसका ये लिटरली डैमेज को बढ़ा देगी, ठीक है। इट डिक्रीजेस द कूलडाउन ऑफ कुरुहा स्वॉर्ड टेक्निक टाइप 3 एंड टाइप 4, रीसेट कर देगी कूलडाउन का अपने कुरुहा स्वॉर्ड टेक्निक का, ठीक है। ग्रैंड करेगी सुपर आर्मर और डील्स एडिशनल डैमेज प्रोपोर्शनल टू 20% फॉर ईच अटैक, ठीक है, और कंज्यूम्स 3% ऑफ द यूजर्स मैक्स MP एवरी 3 सेकेंड, ठीक है। तो 25 सेकेंड में 24% अपना MP खा जाएगी, ओके, राउंड अबाउट दैट। और इसका बेसिकली डैमेज बहुत अच्छा खासा बढ़ जाता है, तो उस समय ये बर्जर्क हो जाती है और क्रेजी डैमेज करती है। अब ये तो भाई सिर्फ A0 पर है, अभी हमें इसका A1 और वगैरह जब पता चलेगा तब दिमाग के छक्के उड़ जाएंगे, बिकॉज ये बहुत ही क्रेजी कैरेक्टर है, आई एम टेलिंग यू, ओके। तो लेट्स गो टू हर एडवांसमेंट्स एंड लेट्स टेक अ लुक एट इट। तो सबसे पहले बेस वेरिएंट A0, व्हेन द यूजर हैज 66% और मोर ऑफ देयर मैक्सिमम MP, इट अप्लाइज द कुरुहास डार्कनेस इफेक्ट, यानी कि शुरू में ही आपको कुरुहास डार्कनेस इफेक्ट मिल जाएगा, ठीक है, शुरू में ही यू विल गेट द कुरुहास डार्कनेस टेक्निक, विच इज ग्रेट, ओके। अब इससे क्या होगा, ये इंक्रीज करेगा डैमेज, इसके इंक्रीज यूजर्स अटैक बाय 4% फॉर एवरी एडिशनल 150 MP अप टू 40%। तो लिटरली आपको 1500 MP होना चाहिए, ओके, 66% के बाद आपका एडिशनल MP 150 हर
150 एमपी जो आपका रहेगा उसके लिए 4% अटैक इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो लेट्स से आपको टोटल एमपी कितना चाहिए होगा, तो आपको चाहिए 1500 और 1500 टाइम्स 3 4500 एमपी का आपको चाहिए टू अप्लाई दिस टू द मैक्स। अगर ये आपको पूरा अप्लाई करना है 40% अटैक इंक्रीज तो 4500 एमपीज पे होना चाहिए। अभी अगर मैं अपना किट देखूं तो मेरे पास 2200 एमपी, आई एम नोवेयर नियर द रिक्वायर्ड अमाउंट टू गेट दैट अटैक इंक्रीज। लिटरली अटैक बढ़ा रही है भाई, तो आपको एमपी पर ही ज़्यादा फोकस करना है। यू वॉन्ट 4500 एमपी। और ये मैथ मेरा कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है 66% से ज़्यादा एमपी होना चाहिए इसका। ठीक है, तो 66% से ज़्यादा। अब लेट से 1500 क्योंकि 150 टाइम्स 10, क्योंकि 4% का 40% करने के लिए 10 टाइम्स 150 1500, तो 1500 आपका 33% है, तो 100% कितना होगा उसका टाइम्स 3, दैट इज 4500। ठीक है, आपको 4500 एमपी चाहिए, मेरा लिटरली आधा है, तो आप समझ सकते हो। फिर यहाँ पे हम आते हैं इंक्रीज द डैमेज ऑफ कुरुहा सोर्ड टेक्निक टाइप 3 एंड टाइप 4 बाय 30%। तो लिटरली अपना बेसिक स्किल का ये डैमेज बढ़ा दे रही है 30% से। ठीक है, A1 पे आते हैं, तो व्हेन द पोजेस्ट इफेक्ट इज एक्टिव इट इंक्रीजेस यूजर्स क्रिटिकल हिट रेट एंड क्रिटिकल हिट डैमेज बाय 20%। तो क्रेजी बफ अल्टीमेट यूज करने के बाद, क्योंकि अल्टीमेट यूज करने के बाद ये पोजेस्ट होती है, व्हेन द यूजर यूजेस क्रोहा सो टेक्निक टाइप 3 व्हाइल द पोजेस्ट इज एक्टिव इट अप्लाइज अ डीप डार्कनेस इफेक्ट। अब डीप डार्कनेस क्या करेगा, इंक्रीज द यूजर्स अटैक एंड क्रिटिकल हिट रेट बाय 12%, स्टैकिंग 2 टाइम्स, यानी कि 24% अटैक और क्रिटिकल हिट रेट बढ़ाएगा। तो आपको ये क्रोहा टाइप टेक्निक 3 डेफिनेटली यूज करना है। ओके, अब हम आते हैं A2 पर, चार्जेस द यूजर्स पावर गॉज बाय 40% व्हेन एंटरिंग द स्टेज। बेसिकली आपका अल्टीमेट का पावर गॉज 40% चार्ज रहेगा और आपको 15% ये दोनों यूज करने से मिलेगा, तो लिटरली यू विल गेट 70% राइट ऑफ द गेट व्हेन यू एंटर द स्टेज। ठीक है, A3 पे आते हैं, तो व्हेन द यूजर यूजेस देयर बेसिक अटैक और कोर अटैक इट चार्जेस देयर एमपी एंड पावर गॉज बाय 1% एंड डिक्रीजेस द कूलडाउन ऑफ कुरुहा स्वॉर्ड टेक्निक लीथल मूव मूनलेस नाइट ओवर टर बाय 2%। आई थिंक वो जो मूव है वो ये है। ठीक है, मूनलेस नाइट ओवरटर। ठीक है, तो भाई A3 भी अमेजिंग है। और A4 पे आएंगे तो इंक्रीज एमोमिया मिरेज विंड डैमेज बाय 10% फॉर एवरी विंड टीम मेंबर इन द पार्टी। भाई लिटरली अगर आप फुल विंड टीम जाओगे तो इसका 30% विंड डैमेज इंक्रीज, और ये आपकी मेन DPS है। भाई इसका हर एडवांसमेंट बहुत इंप्रेसिव है, हर एक एडवांसमेंट इंप्रेसिव बनाया है। A1 अमेजिंग, A2 अमेजिंग, A3 अमेजिंग, A4 अमेजिंग। अब A5 पर आते हैं, तो यहाँ तो और भी क्रेजी। व्हेन व्हाइल पोजेस्ड द यूजर गेन्स द रेवेंस कन्फेशन। अब रेवेंस कन्फेशन क्या है, इंक्रीजेस द डैमेज ऑफ कुरुहा स्वॉर्ड टेक्निक टाइप 3 एंड टाइप 4 बाय 80%। व्हाट भाई, यहाँ पर सारा डैमेज है इसका, उसको ये 80% बढ़ा देगी A5 पर। ब्रो दिस गर्ल इज नटी। ठीक है, बहुत ही क्रेजी। आर्टिफैक्ट्स की बात करते हैं, तो यू गॉट अ पीक, तो हम अटैक एमपी और क्रिट डैमेज पे फोकस करना चाहेंगे। फॉर नाउ आई एम यूजिंग द वन 2-piece टफनेस, 2-piece कर्स, 4-piece एक्सपर्ट। तो ये मेरा एक मेकशिफ्ट बिल्ड है, इसका प्रॉपर बिल्ड गाइड मैं अगले वीडियो में ले आऊंगा। तो चलिए चलते अब टेस्ट करते हैं A1, A2 और A0 पर कितना ज्यादा डिफरेंस है। सो विल गो एट आर डमी स्टेज फ्लोर नंबर 25 ऑफ बैटलफील्ड ऑफ ट्रायल्स, क्योंकि वहां पर बेस्ट तरीके से हम एक डैमेज एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, राइट। सो विल गो देयर एंड अब हर एक एडवांसमेंट पे टेस्ट करेंगे। तो भाई लिटरली मैसिव बूस्ट्स है ऑन हर एडवांसमेंट्स, तो विल बी सीइंग दोज हियर इन एक्शन। ठीक है, तो एमोमिया मिरेज हम यहाँ पे लगा लेंगे। तो भाई इस कैरेक्टर को मैं रिकमेंड करूंगा, अगर हो सके, इफ F2P एनीवन हैज दैट काइंड ऑफ रिसोर्सेज, गेट हर टू A5 बिकॉज शी इज गॉड डैम वर्थ इट। बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा क्रेजी, बहुत ही ज्यादा ओवरपावर्ड कैरेक्टर है। इसको लिटरली अलीशिया लेवल स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। ठीक है, अलीशिया लेवल स्ट्रॉन्ग। नाउ यू अंडरस्टैंड द थिंग दैट आई एम सेइंग, राइट। मे बी शी इज इवन स्ट्रॉन्गर देन अलीशिया, आई कैन इवन से दैट। ठीक है, तो लेट्स गो, लेट्स गेट द शैडो एक्सट्रीम इवेजन। ओके, विल स्टार्ट विद दिस टू गेट दैट इफेक्ट। ओके, हमें बफ मिलेगा। ओके, विल स्टार्ट डूइंग दिस डैमेज। ओके, नॉट गोना लाई, द बिल्ड इज काइंड ऑफ मेकशिफ्ट, तो अभी बहुत ही हम अंडर पावर भी है, तो भाई ये थोड़ा टफ होगा बैटल। ठीक है पूरा, लेकिन हमें देखने को मिलेगा कितना ये कर पाती है। आप देख सकते हो अल्टीमेट स्किल का डैमेज भी चार्ज हो रहा है, हर बार हम यूज कर रही है, तो दैट इज प्रीटी ग्रेट। हमारा बेसिक स्किल और अटैक से उतना ज़्यादा चार्ज नहीं हो रहा है जितना एडिशनल जो हो सकता था। एमपी का भी आप देख सकते हो, एमपी इसका बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और एमपी रिकवरी भी देती है ये, तो दैट इज रियली गुड।
तो यहाँ पे आप देखोगे अल्टीमेट आ गया। अब हम अल्टीमेट जब यूज़ करेंगे इसके दोनों बेसिक स्किल्स रीसेट हो जाएंगे कूलडाउन पे, और ये हम यूज़ करेंगे विल गेट द बफ, विल गेट द शैडो स्टेप, एक्सट्रीम इवेजन, और डैमेज करना शुरू करेंगे। आप देखोगे अभी लिटरली डैमेज मैसिवली बूस्ट हो जाएगा, ठीक है, ये देखो यहाँ पे। ऑलराइट, सो यू कैन सी द डैमेज हैज इंक्रीज सडनली, एक स्पाइक देखने को मिल रहा है डैमेज में अचानक से, ठीक है। ऑलराइट, ओके ओके, ये इसका पोजेस तब चलेगा, बट वी ऑलरेडी हैव द पावर गॉज चार्ज्ड। तो भाई लिटरली इसका एक कूलडाउन वाला चीज़ है जो इसका अल्टीमेट का कूलडाउन कम करेगा, वो आपको बिल्कुल चाहिए, ठीक है, एक एडवांसमेंट है जो, बिकॉज उससे आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा दैट यू विल बी एबल टू डू दिस अल्ट मोर, क्योंकि अल्ट पे ही इसका असली डैमेज है, डैमेज नहीं मतलब बफ है। तो यहाँ पर ये क्रेजी बफ देती है खुद को, ये देखो वापस से मैं ले लूँगा बफ्स। ओके, एक बफ नहीं आया वो, ओके पोजेस्ट का भी मेरे को दिख नहीं रहा है, ओ पोजेस्ट नहीं हुई है, व्हाट, हेलो से व्हाट, आई डिड द अल्टीमेट, पोजेस्ट नहीं हुई है, व्हाट इन द बग, शी शुड हैव बीन पोजेस्ट यहाँ पे, बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। और आप देख, ओ एमपी हमारा कम है, ओके, नॉट इम्प्रेसिव एट ए जीरो भाई, बट ए जीरो पे कौन सा ही हंटर इम्प्रेसिव है ये बताओ मेरे को, दैट इज द थिंग, राइट। ए वन पे क्रिट रेट क्रिट डैमेज मिलेगा, दैट विल मेक अ मैसिव इम्पैक्ट। यहाँ पे अब हम एम पी चार्ज कर रहे हैं लिटरली, राइट, लोड मार्बल, ओके, सो या एवरीथिंग गोइंग रॉन्ग विद दिस रन, ठीक है, बट वी विल नॉट गोइंग टू रीट्राई, विल टेक हर टू ए वन और फिर वहाँ पर टेस्ट करेंगे। तो यार 34 सेकेंड्स बचते हुए आप इसको 40 मान सकते हो, सिंस 3-4 सेकेंड के लिए लोडिंग पे चले गया था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट या नाइस डिसेंट डुएबल ए जीरो, ठीक है, ए जीरो विथ अ मेक शिफ्ट बिल्ड। उतना ज़्यादा क्रेजी बिल्ड नहीं दिया हमने, एक एवरेज सा बिल्ड दिया, एंड टू बी ऑनेस्ट नॉट इम्प्रेसिव, ठीक है, नॉट इम्प्रेसिव एट ए जीरो। ए वन करते हैं, एंड ए वन पे देखते हैं कैसी हो जाती है। तो वी विल गेट लिटरली क्रिट हिट रेट और क्रिट हिट डैमेज 20% और कुरुहा टेक्निक 3 होने पे जब पोजेस्ट रहेगी अगर ये, तो डीप डार्कनेस है जिससे अटैक और क्रिटिकल हिट रेट 12% बढ़ जाएगा दो बार, अगर हम दो बार करेंगे तो। भाई ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ये डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट एडवांसमेंट्स है फॉर F2P, ठीक है। इस एडवांसमेंट से आपको एक मैसिव बूस्ट देखने को मिलेगा। हमारा 40 सेकंड बच रहा था, राइट, नाउ विल सी अब कितना सेकंड बचता है। ओके, अब मेरे को लग रहा है अराउंड टाइम हमारा बचना चाहिए समवेयर अराउंड इजीली 1 मिनट अबव, ठीक है, 20 सेकंड का डिफरेंस आ जाना चाहिए सिर्फ एक एडवांसमेंट से, विच इज़ मैसिव। अकेले जा रही है ये विदाउट एनी कैरेक्टर्स टू बफ हर लाइक मीन और एनी अदर एंड इवन शैडोज, तो डेफिनेटली मैसिव इंपैक्ट लेके आता है वो, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स सी बॉयज, अभी तक हमें वो बफ नहीं मिला क्योंकि उसमें पोजेस्ट होना जरूरी है, द रिक्वायरमेंट वॉज टू बी पोजेस्ट। बस हमारा क्रिट रेट और क्रिट डैमेज बढ़ चुका है 20% से, विच विल ब्रिंग अस टू वेरी क्लोज टू द कैप, और हर एक अटैक क्रिट आपको देखने को मिलेगा, विच इज नाइस बिकॉज दैट्स वॉट वी लाइक टू सी, राइट, दैट्स वॉट वी लाइक टू सी। ओके, यहाँ पे हमारा अल्ट चार्ज हो जाएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो अल्ट हमारा चार्ज है, विल यूज द अल्ट, विल गेट द कूल डाउन ऑन आर स्किल्स, ये हम यूज करेंगे। ओके, आप देख सकते हो डैमेज गोइंग बर्ज़र्क, ओके, दो बार स्टैक ले लिया हमने, ठीक है। अब आप देखो डैमेज, जस्ट लुक एट दिस डैमेज बॉयज, इजंट इट क्रेजी, ऑलराइट भाई, अमेजिंग डैमेज। ओके, हम सर्वाइवेबिलिटी पे फोकस नहीं कर रहे यहां पे, बढ़िया, शी इज गोइंग बर्ज़र्क नाउ। ऑलराइट, ओके, कूल्ड एमपी का इशू है, वैसे एमपी का इशू डेफिनेटली है, यू विल नीड मोर एमपी टू बी ऑनेस्ट, डेफिनेटली यू विल नीड मोर एमपी, ठीक है, एमपी कम पड़ गया हमारा, बट आप देख सकते हो भाई लिटरली भाई 34 सेकंड पे थे हम, 1 मिनट का डिफरेंस है A1 पे, व्हाट 50 सेकंड्स डिफरेंस भाई, ऑलमोस्ट 50 सेकंड डिफरेंस। Now that is something like you don't see. Say less brother, say less bhai. Crazy. A1 or A0 potential is massive. A1 सबको जाना है, ठीक है। अब A2 जाएंगे तो हमारा पार गॉज जल्दी बढ़ेगा सिर्फ एक बार, ठीक है, when entering the stage, ठीक है।
तुम्हारा अल्ट जल्दी आएगा, तो लेट्स सी वो कितना बड़ा इम्पैक्ट बनाता है इन द रन। तो ये अब देखने वाली बात होगी, दिस विल बी एन इम्प्रेसिव टेस्ट एंड लेट्स सी बॉयज, लेट्स सी, जस्ट लेट्स गो, आई विल से लेस। डेफिनेटली A3 बहुत बड़ा बफ है, A3 इज वेर यू शुड बी टेक्निकली स्पीकिंग। A4 A5 भी बहुत अच्छे हैं वैसे तो, सभी भाई एडवांसमेंट इसके बहुत अच्छे हैं, आप किसी भी एडवांसमेंट पर रुक जाओ A1 के बाद, दैट इज रियली गुड, ठीक है, दैट इज रियली गुड, यू विल हैव नो कंप्लेंट्स फॉर दैट, ठीक है। ओके, विल स्टार्ट विद दिस टेक्निक 3, विल गेट द बफ्स, शैडो स्टेप, एक्सट्रीम इवेजन। ओके, पार्गोज आप देख सकते हो अब नेक्स्ट रोटेशन पे आ जाएगा, जबकि हमें दो रोटेशन और करने पड़ रहे थे बिफोर दैट। सो या, लेट्स डू दिस, आपको देखने को मिलेगा अल्ट हमारा अब यहाँ पे आ जाएगा विद दिस। अब हम अल्ट करेंगे, विल गेट द कूल डाउन्स एंड दोज विल गिव अस मैसिव डैमेज नंबर्स। ओके, यहाँ पर ये रहा, ओके जंप कर गया, बट ठीक है, नंदलेस स्टिल हैव दोज डैमेज, यप, देयर यू गो। ओके, जब तक पोजेस्ट है उसके बीच में ही हमें अप्लाई करना है डैमेजेस, लेट्स डू द स्किल्स। ओके, 50% ऑलरेडी, नाइस, नॉट बैड, नॉट बैड, एक और बार कर लेते, लेट्स गेट सम मोर स्किल्स इन वाइल वी आर पोजेस्ट। पोजेस्ट का आप देख सकते हो कूलडाउन बस जाने वाला है, सो यप, देयर यू हैव इट। बिफोर द पोजेस्ट वेंट अवे आप देख सकते हो हमारा अल्ट भी चार्ज हो गया और आप डैमेज देख सकते हो, क्या ही क्रेजी था, राइट। अगर लेट्स से आप बॉट या कुछ कर रहे हो विद एमामिया, यू डेफिनेटली वांट टू हैव A2, क्योंकि आपका अल्ट जल्दी चार्ज होगा, तो दैट विल गिव यू अ मैसिव बूस्ट, राइट। एंड हैविंग समवन विद डिस्ट्रॉयर इन द टीम विल डेफिनेटली मेक इट बेटर। और आप देख सकते हो भाई 20 सेकंड का अंतर आया विद द नेक्स्ट एडवांसमेंट, और हमारा अल्ट भी ऑलमोस्ट चार्ज था भाई। हर एक एडवांसमेंट इसका क्रेजी है, आई एम टेलिंग यू, A3 A2 A1 कोई भी आप चले जाओ, यू वॉन्ट रिग्रेट इट, शी इज एन अमेजिंग SSR। So yeah, with that I end this video here. What are your thoughts and opinion? Let me know in the comment section down below. And if you're not new to the channel, definitely leave a like and subscribe. And I'll see you in the next one. Until then, peace out, take care, arise.